हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खरीफ और रबी की फसलों की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले रबी की फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रबी की फसलें हैं वो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल और मार्च में इनको काटा जाता है। ठीक है, ये फसलें होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। क्लियर। अब आगे करते हैं हम, जो रबी की फसल को याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक है आज सच में राई में गेम खेला। ठीक है, जो ये रेड वाले हैं हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, यही ट्रिक है। ये जो ब्लू के साथ है ये मतलब एक वर्ड कंप्लीट करने के लिए है, ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा था ये। ठीक है, तो जो ये है आज, अब है ट्रिक, हम पढ़ते हैं आ। तो ये आ है, ये आ से क्या बनता है, आलू, जो हमारी रबी की फसल है। ज से बन रहा है हमारा जौ, च से बन रहा है हमारा चना। ठीक है, आया समझ। और स से बन रहा है हमारा सरसों, आया समझ। एक मिनट, मैं दोबारा करा देती हूँ आपको। जो ये है आ, आ से क्या बन रहा है हमारा, आलू। ज से बन रहा है हमारा जौ, स से बन रहा है हमारा सरसों, और च से बन रहा है हमारा चना। ठीक है, म, ये जो मे है वो साइलेंट है। राई, राई से पता है आपको, राई बन रहा है हमारा, राई। ठीक है, मे ये साइलेंट है। गेम, गे से क्या बन रहा है, गे, तो ये गे है जो गेहूँ है ना, तो ये जो गे है वो है गेहूँ। और म से है हमारा मटर। ठीक है, क्लियर। तो इसकी जो रबी की फसलों को याद करने की ट्रिक थी वो थी आज सच में राई में गेम खेला। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आपकी रबी की फसल कौन सी है, तो आप ये ट्रिक याद कर लेना, आज सच में राई में गेम खेला, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, और मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना। जो सबसे पहले कमेंट देगा, आंसर का कमेंट करेगा, उसका आंसर को मैं पिन करूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ये वाला, द टाइम टेकन बाय अ क्रियल क्रॉप द मेच्योर इज़, कि कितने टाइम में जो हमारी क्रियल्स हैं, क्रियल क्रॉप्स हैं, उनको पकने में कितना टाइम लगता है। टू से थ्री मंथ, थ्री टू फोर मंथ, फोर टू फाइव मंथ, और फाइव टू सिक्स मंथ, इसका आंसर आप बताना मुझे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर करना है आपको। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप्स, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, रबी क्रॉप्स नहीं है। पैडी, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताना। ठीक है, जो सबसे पहले करेगा बताएगा मुझे आंसर, इसका आंसर मैं पिन करूँगी। ठीक है, अब चलते हैं हम खरीफ की फसलें। जो खरीफ की फसल है वो कौन सी फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, वह उनको कब काट लिया जाता है, नवंबर दिसंबर में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, जो खरीफ की फसलें हैं उनको जून जुलाई में बोया जाता है, वे नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। क्लियर। अब जो इसकी ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक है मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। क्या मज़ेदार ट्रिक है, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। ठीक है, तो रेड वाले हाईलाइट हैं, तो म से बन रहा है हमारा मक्का, ह से बन रहा है हमारा अरहर। ठीक है, और ग से बन रहा है गन्ना। ये जो के है ना ये साइलेंट है, ठीक है, के साइलेंट है। और ग से बन रहा है हमारा गधा, ध से बन रहा है हमारा धान, दिल, दिल से बन रहा है तिलहन, तिलहन, और से ये जो हमारा साइलेंट है, और बाजा, बा से बन रहा है हमारा बाजरा, और जा से बन रहा है हमारा ज्वार। क्लियर। अब आपको एक मिनट, हाँ जी, तो मैंने आपको ये छोटी सी ट्रिक थी जो खरीफ की फसल और रबी की फसल की थी, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ तो आप
कमेंट में मुझे वो बता देना, ठीक है? और तब तक के लिए धन्यवाद, रब रखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इधर को मैंने स्माइल भी की है, ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? सो बाय, थैंक यू।